तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप गूगल ट्रांसलेट ऐप की हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं कोई आपके लिए ऐसा वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको चले जाना है अपने गूगल ट्रांसलेट ऐप में। अब फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ गूगल ट्रांसलेट का सारा हिस्ट्री आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसको डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना होगा ऊपर साइड कोने में इस 3 लाइन के आइकन पर, आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का, तो फ्रेंड्स आपको इस पर करना होगा क्लिक। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर हिस्ट्री का, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको यहाँ क्लियर हिस्ट्री के नीचे यहाँ यस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके गूगल ट्रांसलेट का हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे गूगल ट्रांसलेट का हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गूगल ट्रांसलेट की हिस्ट्री को एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।